गुरु साक्षात पार्वर तस्म श्री गुरु प्यारी संगत जी आपने डॉ कमला जी को और मनोज सिंगल को सुन लिया अभी मैं आपको सत्संग देता हूं क्या सत्संग है जो कुछ मैंने अनुभव किया वो बोलूंगा मेरी जिंदगी में जो घटित तो है ये कथाकार नहीं हुए बहुत अच्छी कथाकार छोटी चीज़ नहीं है हमारे पास प्रमाण है बुजुर्गों का राम ऐसे हुए दशरथ ऐसे हुए बेटा ऐसे होया बहू ऐसी हुई वो होया मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जो कथाएं हैं वो हमारे पास प्रमाण है हमारे देश में जो प्रमाण है बड़ा भारी है किसी देश में नहीं ये चीज़ अध्यात्म के विषय में तो कथा छोटी चीज़ नहीं है लेकिन कथा पहला कायदा है आस्था लेना आस्था बने परमात्मा की और वो जरूरी है और पूरी उम्र अगर कथाएँ सुनते रहे तो फिर वहीं पर मेरी क्लास में बैठे रहे आगे बढ़ने के लिए और चल है आगे क्या चीज़ है कि आगे जान ली आप मैं क्या हूँ बस आखिरी चीज़ ये है सेल्फ रियलाइजेशन ऑल एंड एवरी थिंग आपने आपको जान लिया सबको जान लिया आपने क्योंकि ईश्वरंश हैं आप ईश्वर कहीं है तो आपके अंदर है मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ मैं न तो कोई महात्मा हूँ न कोई सिद्ध हूँ न कोई बात अशीधियाँ सब आप में विश्वास करने वाला हूँ मैं मैं आपको रहस्य बताना आ रहा हूँ कि जो अभी तक बात बात तो बताई है सब ने पर वो पर्दे में बताई है और मैं आपको खोल के बताता हूँ और उन्नीसवीं शताब्दी में पंडित फ़कीर चंद जी पारस ब्राह्मण हुए हैं स्टेशन मास्टर रेलवे के वो पहली बात आदमी थे जिनने सब चीज़ का पर्दा खोला मेरे से पहले ये जो मैं बात कर रहा रहूँ ये मेरे गुरु पंडित फ़कीर चंद जी ने बता दिया मेरे भी काफ़ी साहित्य है मेरी सत्रह पुस्तकें इंटरनेट पर हैं पूरे देशों अमरीका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब के अंदर देखते भारतीय और वहाँ से रोज फोन पर फोन आते रहता है और भारत से भी आता रहता है शब्द कैसे तो ऐसे कोई बात ऐसी तो है नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो बात वो तो, तो बात साफ़ है जो मेरे साथ घटना घटी वो मैंने लिखी है बताया है और वो जो शब्द का प्रकट है और जितने भी आई ए एस आई पी एस आर एस डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक जो वो मेरे से बात से सहमत होते हैं उससे और वो बात रखते हैं तो ये जो मैं पुस्तक लेकर का सत्यंग कर रहा हूँ ये गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि आप जो बड़े बड़े आदमी हैं जो बुद्धवान समर्थ हैं धनवान अच्छे लोग हैं उनको सच्चाई बता देना मेरी ताकि सच्चाई पता लग जाए बड़े आदमियों को तो यथा राजा तथा प्रजा यथा राजा राजा से जैसे वैसे बड़े आदमी है वैसे वो लोग उसकी नकल करेंगे तो आप सच्चाई बता देना तो बात क्या है मैंने पहली बात तो आप ये बताइए सत्य क्या है जो सदा के लिए है सत्य है सत्य नहीं है तो कुछ नहीं है और उसका जो कहाँ पर है वो परमात्मा में है वो बड़ी अस्थि है वो है सूर्य चांद तारे वगैरह उनसे पीछे एक अस्थि है जिससे सूर्य चांद तारे बनते हैं लोक लोकांतर बनते हैं और उसी से जैसे बिजली का सर्किट निकलता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से वो आगे चल के सर्किट निकालता रहता है एक दिल्ली में काम करता है एक बंबई में काम करता है कलकत्ता में करता है और एक मतलब जैसे बल्ब जलते हैं गाड़ी को चलता है ये चलता है वो इसी तरह से वो जो बड़ा प्रभा है उससे सर्किट निकलता है जो मनुष्य की सूरत जो है निकलती है और वो आके इस्लोक में आ जाती है आके श्री धारण करके काम करता है तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ईश्वर साफ फिर आपको पता नहीं है ईश्वरीय शक्ति ईश्वर शक्ति तो है तो आप में शक्ति आपके विचार में शक्ति है सोचते हो वैसे होता है अरे सोच का पता नहीं है तो दुख नाम की चीज़ क्या है कि दुख तो कोई है ही नहीं तो कहाँ से आता है वो आप ही पैदा कर लेते हैं मनुष्य खुद ही कर लेता है अपना दुख कैसे कर लेता है कि इसके विचार में शक्ति और इसको पता है नहीं ये सोचता वैसे होता है जैसे किसान खेत में जो दाना डालेगा गेहूं तो गेहूं बाजरा तो बाजरा मकई मकई तो तो इसी तरह जैसे सोचता वैसे होता है एज यू सो सो सल जैसे बोते वैसे काटते हो तो हम बोते क्या हैं चाहते क्या है इसका हमको पता नहीं है गुस्सा आ गया आप पर पत्नी पर आ गया पत्नी को तो बात कर दी कह दी अब पत्नी बोल बोलती नहीं तो बनी बनी कुटती है इनने मेरे को ये कहा ये 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 कहा ये कहा ये कहा, ये कहा, वो विचार रेडियो टोकी रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चले जाते हैं साइंटिफिक तरीका की बात बता रहा मैं है सिद्ध करती है इसको कि जो हम बोलते हैं वो बात यहाँ रहती है वो ऊपर चली जाती है और यहीं रहती है सब कायम रहती है तो वो ऊपर जाके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब यहाँ उचित समय पर इधर आएगी तो वो बात अच्छा सोचा वो आपने खुशी की बात वो तो कुछ और फट लेती है जो गुस्से से सोचा है जिसको ईर्सा दो ये नफरत कह दो आप चाहे पति के लिए सोचा चाहे पत्नी के लिए सोचा क्योंकि हम गिरस्थी हैं मैं गिरस्थी की बात करूँ मैं शन्यास में बात नहीं करता हम लोग हम अपनी बात करेंगे मैं गृहस्थी हूँ आप गृहस्थी हैं और इससे पहले अगर ज्ञान जाना है तो किसी गिरस्थी नहीं जाना है बड़े आदमी ने जाना है काम आप जैसे बड़े आदमी ने जाना है अर्जुन कहता है ना गीता में क्या अर्जुन आज जो मैं अतरे को ज्ञान देता हूँ ये राज ऋषि ने जाना है बड़े आदमी खाते पीते आदमी ने जाना है हर एक गरीब नहीं जान सकता तो क्या बताना चाहता था 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 हूँ आपको कि आप इस स्वयं से आपको ज्ञानने के बात एक तो क्या सोचते हो दुख वाली बात करते हूँ दुख है क्या जब पत्नी तो कुट के और विचार करती है कि इसमें पति ने ये मुझे देखा ये भी देखा ये भी देखा वो ऊपर चल जाएगा ब्रह्मांड में और कोई खास लाइट से टकरा के ड्यू कोर्स ऑफ उचित समय पर जब यहाँ आएगा तो पत्नी का भी दुख होगा और पत्नी का दोनों का दुख आएगा इन घर में दुख आएगा परेशानी आएगी किसी तरह क्या आ सकता है गाड़ी टूट गया किसी का हाथ टूट गया कोई मर गया कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कोई चोरी होगी मतलब तो मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी और जो अच्छा सोचा है सुंदर किसी की भलाई के लिए प्रेम से खुशी से दया से क्षमा के विचार हैं उससे वो क्या होगा कि आपके विचार ऊपर जाएंगे तो सुख लेके आएंगे आपके लिए आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगी आपको लाभ हो जाएगा आपका बेटा कुछ बन जाएगा आपको कुछ और मतलब तो खुशी मिलाएगा ये से फ़ायदा होगा तो जो अच्छे विचार हैं आपका उसके उसके तो फल क्या होगा कि आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगी और जो घटिया बात सोचते हैं उससे प्रतिकूल घटना घटती तो अभी आप तो दुख देख ले सब जो कुछ थोड़े 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 काफ़ी है और वो कहीं से बाहर से नहीं आया अपने ही घर से पति का पत्नी का, का भाई भाई का बाप बेटे का जैसे विचार हम करते हैं तो जो विचार एक बार आया एक बार चला गया तो कुछ ही नहीं मिलता उसका एक बार आया इंप्रेशन सजेशन पड़ा हुआ है वो डेवलप हो गया है वो फिर खत्म हो जाता है एक विचार को आप बार बार सोचते हैं कि कल उसने मुझे ये कहा था, था, था ये किया था ये किया था घंटा आधा घंटा उससे दूसरे दिन सोचा तीसरे दिन कई विचार तो ऐसे हैं तो दो तीन मिनट ही रहते हैं कई विचार होते हैं तो दो तीन दिन तक रहते हैं कई विचार हो महीना तक रहते हैं और कई कहते मैं तो भाई से बोला ही नहीं तीन साल से बोलता ही नहीं हूँ तो जो नहीं बोला वो क्या अच्छा सोच रहा है जो अंदर उस नहीं बोल रहा है तो अच्छा नहीं सोच रहा वो सोचता है इसका लड़का क्यों तरीके करेगा इसका ये क्यों क्या ये क्यों हो गया नेगेटिव विचार वो ऊपर जाते हैं वह भाई के लिए तकलीफ आते हैं है राय भी आते हैं तो इस बात का पता नहीं किसको राष्ट्रपति से लेकर कर चपरासी तक करोड़पति सेठ से ले करके नीचे तक गरीब तक और खूब अच्छे दो चार पी लगा रखे हैं जैसे डॉक्टर कमला जी को पी एच डी इस तरह से विज्ञान ज्ञान की और उसके उसके लेकर कर अनपढ़ तक यानी मनुष्य मात्र को क्योंकि मनुष्य सभी इंश्योरेंस हैं चपरासी में वही है करोड़पति सेठ में वही है आई एस में वही है स्वीपर में वही है वही बोलता है वही काम करता है सब आदमी के अरे आदमी को पता नहीं अगर विश्वास कोई मान्यता कर ली तो ठीक है उसका काम हो जाता है उसकी मान्यता से उसकी मान्यता राम को मानता है तो आ जाता है किस को मानता है रह जाता है अरे देवी को मानता है देवी प्रकट हो ही क्या तो देवी आई नहीं मेरे ख्याल से क्यों कि जीवता जागता नहीं जाता तो मैं कैसे मान लू देवी आती है आपके या कोई गुरु जी आता है या राम आता है या देवी आती है भूत आता है भूत ही मन का आता है वो डर भी आता है वो अपने अपने विचार से तो आपके विचार में शक्तिर आपको पता नहीं आपको नहीं ऊपर तक राष्ट्रपति का नाम इसलिए लेता हूँ पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ में दो साल रहे हो वार्ड नंबर सेकंड से मैं आया हूँ ब्रह्मा से मैं ब्रह्म में चला गया था उनसे सौ बयालीस में तयालीस चौवालीस पैंतालीस से ब्रह्मा युद्ध में रहे हो और अंग्रेज अफसर होते थे और उनके पास में काम करता था मैं प्रेस वगैरह डालता नक्शा नक्शा का शेख तो वो नक्शा दिखाता था उनको कि साहब इधर दर्द है यहाँ पर पहाड़ी है यहाँ पर नाड़ा है इधर नहीं जा सके इधर ये नहीं जा सके तो बड़े अफसरों के साथ रहता वो ग्रुप के साथ रहता था ना तो बड़े आदमी की वतन सुनता रहा और काम करता रहा और वहाँ से वापस आया तो इंडिया में आया इंडिया में आते फिर फटाफट एक फूल लग गया वाइसरा कमीशन में गया इज़्ज़त हो गया बाइसरा कमीशन होता था उसको वी कहते थे और वो सूबेदार दमदार की रैंक तक होते थे इंडियन और बाकी सब अंग्रेज अफसर फिर पैंतालीस के बाद में फिर बाद भारतीय अफसर आए तो मतलब पुराने ज़माने से देखते देखते आ गया और ये ज्ञान तो मैं बाप को दे रहा हूँ ये मेरे को भी थोड़ी देर गया था गुरु जी के पास में तो वो उन्होंने किताबों के अंदर लिख दिया सब में ये डॉक्टर कमला है पुस्तक तो मेरे में कुछ नहीं जानता पुस्तक इसे लिखवाई कहने लगे आप ऐसी आवाज़ से पूछ रहे हो और ये ज्ञान अगर मैं कलमबद्ध कर दूंगी तो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रूफ हो जाएगा लाभ हो जाएगा तो आप सच्चाई बता रहे हैं तो इसे आप कैसे करें इसे कहा पहले तो माना फिर, फिर बाद में इसे ने लिखी एक किताबों को भेजना अलग है इंटरनेट पर चलाने वाले और ही बैठे हैं इंटरनेट में तो मेरे को पता ही नहीं था वो देखी मैंने सत्संग सुने और इंटरनेट पर चला दिया उन्होंने जगह ले ली और इंटरनेट पर चल रहे हूँ सब जगह तो कारण क्या था वो जो चीज़ बंद कहना चाहता था वो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता ईश्वर की लीला सब के अंदर है एक आदमी काम नहीं कर सकता एक आदमी घर में नहीं कर सकता हम मिलजुल के काम करते टीम आती है और खेल करते हैं तो आप ईश्वर से और कमी क्या तकलीफ क्या है आपको पता नहीं कि आप क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं इसका फड़ क्या होगा अगर आपको आपका का पता चल जाएगा तो सोच के बोलेंगे फिर फिर किसी को नहीं बोलेंगे दिल नहीं दुखाएंगे किसी का हम हमेशा दिल दुखाने का दिल दुखाते शीश देता रहता है इसने मेरा क्या इसने मेरा रखो यह क्या इसने मेरे क्या अब जो बड़े अफसर हैं जैसे अपने अपने नेता हैं सब के सब असें लड़ते हैं विधानसभा के अंदर लड़ते एक दूसरे का अफसर बोलता है ये बोलता है उनको खुद को पता नहीं क्या बोल रहे हो और इसका फल क्या होगा कई समझदार होते हैं वो बाद में दूसरे कहते भाई मैंने माफ़ कर दिया मैं शब्द वापस लेता हूँ जो आपका दिल दुखाया उसका तो किसी को पता नहीं अगर ये पता हो जाए तो आपको पता क्या है कि आप सोचते हैं उसका फल है तो इसका इलाज क्या है कि अगर ये बात समझ में आ जाए तो मैं इतनी देर बता तो नहीं कोई ढेर लगा रखे पुस्तकों का और ये बांट रहे अभिषेक जी बांट रहे हैं यहाँ पर ये आप हरिकष्न जी गुप्ता और ये मैडम बाट रही हैं इन, इनको अच्छी लगी तो कहने लगे ये पुस्तक बांट दी हम तो आप सदनों को तो ठीक हो गया और अगर आप घर बैठे पढ़ेंगे तो ठीक है साधारण पुस्तक तो है नहीं क्योंकि इन पुस्तकों से जब मैं ये पुस्तकों ज्ञान से इंटरनेट जगह जगह का आदमी आते हैं आई ए एस जितने भी आदमी सब के बड़े बड़े विद्वान हैं मेरे साथ तो मेरे पुस्तक विद्वान पढ़ते हैं साधन में गरीब आदमी क्या पढ़ेगा आप विद्वान पढ़ते पढ़ने के बाद वो मेरे से बात करते हैं तो मैं कहता हूँ साहब क्या है बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कहाँ पर फलिनी जगह पर मैं मेरे पास जगह ही नहीं कोई मैं तो गाँव में रहता हूँ आप कहाँ भी तो पता नहीं कैसे कमरे में रहते हैं मेरे पास ऐसा कोई कमरा नहीं है गाँव का तो फिर क्या है? मैं तुम्हें सेवा कर दूँगी मैं किस लिए के सेवा कर दें आप आगे कर देना पढ़े आपका सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप उधर काम करते हो मेरे कोई आश्रम नहीं है मैं तो फौजी ऑफिसर हूँ मुझे खाने पीने के लिए मिल जाता कोई कमी नहीं है सब तरह सेटिस्फाई हूँ तो कहाँ फलैंडी जगह आ जाना मिलने के लिए मिल लेना तो वहाँ पर मैं मा, मानो मंदिर कुशारपुर बुला लेता हूँ कभी 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 ये धान जाता हूँ वहाँ बुला लेता हूँ सारे मेरे आश्रम है अब आज आया हूँ तो ये मनोज के घर में मेरा आश्रम है वहाँ बैठा हूँ मैं और वो रखता है मेरी सेवा सेवा करता है मैं आपको आ गया और मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ दर्शन कर रहा हूँ कि बड़े बैठे हैं ईश्वर बैठे ईश्वरंत बैठे हैं बागी लोग बैठे हैं अज्ञान का दुख है हर घर में तो विचार को ठीक कर लो छोटी सी बात है हमेशा कि आपने विचार जो है ना सुंदर विचार कर लो गेटिया आएंगे विचार है आए नहीं क्यों हमारे संस्कार है हम पैदा हुए तो माँ के पेट मार उससे करती थी वो बीज हमारे अंदर है बीज रूप में पिताजी के हैं बीज रूप तो ज्ञान से क्या होगा कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए तो सतगुरु क्या ज्ञान देगा आपको कि कैसे सोरे यहाँ पर सुंदर कैसे रहें संकल्प में पूरा संसार तो सदनों आपने विचारों को ठीक कर लो हलो या सब कुछ शिव संकल्प मस्तु इसको एक छोटे शब्दों में हिंदी में कह दिया ये मनुष्य सुंदर सुंदर संकल्प रखा अच्छे अच्छे जो तेरे लिए भी खुशी रहे और जिसके लिए सोचें उसके लिए अच्छे हो तो तेरे को बस सुख सुख मिलता रहेगा ये बीज बारह तू तो सिर्फ इतना ही करना आपको कि आपने घटिया विचारों को बढ़िया कर लो तो आप इसमें नाराजगी राय है छोड़ दो आज व्रत कर लो एक व्रत करती हैं बेटियाँ आज एक व्रत कर लो हज़ार व्रत के बराबर है हज़ार व्रत से करने से लाभ नहीं होगा ये व्रत कर लो कि मैं मरुसूंगी नहीं कभी भी कोई मेरे को बात कहेगा पिता कहे या पति कहे या मेरी सास कहे कोई भी कहे रुसूंगी नहीं कोई कड़ी बात कहे तो बता जी एक दो और कह दो आपका जी जीश्वर हो जाए मैं तो इसी हूँ और आप सारे हैं दूसरे को बुलाई पति कहता बोले जी मेरे बच्चे ज्ञान है आप कहें मतलब एक एडजस्ट होना है ताकि अपने विचारों को ठीक कर लो ये नेम कर लो आज से ब्रत के मैं रुसूँगा नहीं चलो एक ही बात नाराज़ नहीं होगा नाराज़ नहीं होंगे तो इसका मतलब आप ठीक लेंगे अगर पत्नी दो बात कह दी तो कोई बात नहीं बाद में बता दो कैसे में तो ऐसी बात है समझ लो बात नहीं वो ज़्यादा आपको दबाती है तो इसका मतलब यह है कि पिछले दिल का लेने देने का चक्कर है ये कर्जे का लोक है हम जो इस लोक में आए हैं कर्जा चुकाने के लिए आए हैं किसी को तो देने के लिए आए किसी को लेने के लिए आए हैं और जिसने पूरा हो जाग उसने चले जाएंगे इसको प्रारब्ध कर्म कहते प्री डिस्टेंट पहले भाग लेके आए हैं उसका बेटा बढ़ेगा उसका भाई बढ़ेगा वो तेरे को सुख देगा वो दुख देगा वो तेरा दोस्त बढ़ेगा वो तेरा धोखा देगा वो तेरी चोरी करेगा वो ले जाएगा पैसे ये करेगा वो दाई मुड़ के आएगा ढोल बजा के ले जाएगा और तू नहीं देगा वो ऐसे आएगा चोर मुड़के आएगा तेरे से ले जाएगा ये लेने देने का लोक है जब लेने देने का लोक है तो घर में जितने आपके नियर और डियर जितने भी हैं ना बस सब कैसे सब लेने देने का चक्कर है यहाँ पर कोई किसी का नहीं क्यों क्या साबूत है मेरे पास जब जाएंगी तो आपके साथ कोई नहीं रहता अच्छा ये छोड़ दिए बात तो आपके पैर में चोट की चोट लगी जोर की दर्द हो रहा है तो नहीं तो माँ का हो रहा है ना बाप का हो रहा है ना पति का हो रहा है आपका ही हो रहा है ये तो मानते हो ना सब तो इसे आप कर्म अपना अपना होता है कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ा कर्म कैसे बनता है बिचारों से तो विचारों को सुंदर कर लो शिव संकल्प वस्तु हमेशा सुंदर सोचो दूसरों के लिए आपके लिए आपके लिए दुनिया सुंदर बन जाएगी इस लोक में सुखिर रहना है तो जो पीछे विचार करे हुए हैं वो तो देखो भोगने पड़ेंगे वो तो भोगने के लिए हम आए हैं लेकिन वो जो अभी आप बोते हो बीज तो बहुत नया उगेगा पैसे गुआर बोया हो तो निकाल लो काट लो और अभी घीपाओ ई ईंख बा तो आज से अगर आपको समझ आती है तो अपने विचारों को सुंदर कर लो अगर घर में पति पत्नी नाराजी है तो आज से बन करो सुलह करो कि कोई तो पत्नी कोई बात नहीं आप बड़ी हैं समझ लो कि अब नहीं मानती है तो उसे आप मान दो ठीक है ठीक है लक्ष्मी समझ जाओ कि ये देने दे के मैंने पहले इसको दुख दिया है ये दुख देने के लिए मजबूर है तो वो मजबूर है तो दो चार बस प्यार से बता दो और फिर नहीं तो सर एडजस्ट हो जाओ उसके साथ हाय हाय मत करो जब आपको पता लेने देने के लिए आया है ये बेटा नहीं है बस ये है तो उसको एडजस्ट हो जाओ उसके साथ अब वो देगा आपसे बेटा बड़ी के लेगा आप कहाँ निकाल दोगे बेटे को बताओ <laughs> वो देने के लिए कर्जा है तो हमारा ये लोग तो है तो है ये कर्जे का इसका अलग सत्संग है इसका सत्संग नहीं दे रहा हूँ आज मैं आज आपको दे रहा हूँ कि खुश कैसे रहना है खुश अपनी श्रेणा के अपने विचारों के लिए खुश की रह, खुशी खुशी के बीच बो खुशी के बीच क्या है शिव संकल्प मस्तु कभी स्वप्न में किसी का बुरा मत सोचो स्वप्न में मत सोचो उसका बुरा हो जाए जो आपका बुरा करता है ये सोचो हे प्रभु उसको सदमती दे हाँ कोई बात गड़बड़ करता है तो पांच भाइयों ने बुलाया कि भैया ये बात है ऐसे ऐसे है मान दो, दो भाइयों ने बता दो भैया ऐसे तू गलत करे देख लो मैं गलत मेरे बता दो और वो नहीं मानता छोड़ दो ठीक हो जाएगा उसका काम उसको वो सब मना लेंगे पुलिस बना लेगी ये मना लेगी सब पुलिस ने मिलाए जज साहब ने फैसला दे दिया कोई कोई बात वो कौन देगा फैसला वो ऐसी शक्ति है कि वो माफ़ किसी को करता नहीं है इधर कितने लोग बदमाश आते हैं वो कहाँ जाते हैं फिर कोई उसके आगे चल नहीं सकता सदनों क्योंकि वो शक्ति है तो अपनी तरफ से किसी को दुख मत दो आपको दुख नहीं मिलेगा नहीं भाई को दो नहीं और दे भाई नाराज़ आप नाराज मत हो छोटा भाई रूसा फिरता तो आप बोले भाई के क्या काम करे आज गिर अरे भाई बोले को नहीं भाई कि बात है आप बोल दिया करो और वो खूब नाराज़ है आप नाराज़ मत हो ना आज आप एक बर्ती कर जाओ मेरी इस बात से कि किसी को आप नाराज़ मत बतो ना कितनी आपने किसी को। आप सब्जी भी कह दिया ना और वो दे कह देता उसके बाद बोल भाई ये ओ जो एक दो कहना तो एक दो और कह दो ये तरीका है ये मतलब सह लो सहने का नाम तप है सहने का नाम तप है तो घर में सहने अगर घर में नहीं, नहीं सहते तो क्या है अब सबसे पहले कहते हैं सम्मान मिले सम्मान मिले तो सम्मान का तरीका है तो बाओगे तो तब मिलेगा ना गिवन टेक का सिद्धांत तो है सम्मान दोगे तो मिलेगा तो सम्मान क्या देना है गुरु माता गुरु पिता पहले वो हैं कितने का आप में भाई बहन है कितनी बेटियाँ जो तो सुबह उठ के सास की सेवा करती हैं चरण स्पर्श करती हैं नुलाती हैं उनको और कपड़े धोती हैं उनका राजी रखती हैं कितने गए कितने गए जो अपने पिताजी को सुबह डालने से पहले चरण स्पर्श करके जाते हो कोई काम करते हो पिताजी मैं ये काम कर रहा हूँ या आके दो मिनट बैठते हैं अगर वो अलग बैठे बैठे तो अलग बैठा रहता है तो आप सुख चाहते हैं फिर इस कबीर साहब ने एक ही बात पे कह बा पेट बब बुड़के तो हम कहाँ से कहा तूने दिया तो दुख तू चाहता सुख वो तो, तो इतनी बात बता दी ये बात समझो नहीं आई अब मेरी बात समझो क्यों मैं आपका आदमी हूँ मैं कोई महात्मा नहीं हूँ मैं गृहस्थी आदमी मुझे पता है तो कबीर ने कहा भाए बबूल के तो का हम बातें तो बबूल चाहते हम हम देते तो दुख चाहते सुख पहला गुरु कौन है गुरु माता गुरु पिता जो माँ बाप को नहीं मानता वो चाहे क्यों कुछ ही बन जाए जूता खागा पूरी में क्यों मैं देखा मैं ऑफिसर रह हूँ ऑफिसरों को देखा बड़े बुढ़ियों को जो माँ बाप क्यों नहीं करते उन ऑफिसरों कोई कदर नहीं है पागल में फिरते मेंटल आप समझे ना बात गुरु माता गुरु पिता जो माँ बाप को नहीं मानता क्यों बड़ी ज़बरदस्त सेवा करते वो उसका बदला नहीं दिया जा सकता उनका कुछ बदला नहीं दे सकते आप उनको आप समझे तो गुरु माता गुरु पिता अगर माँ बाप को सदनों को नहीं पूछता है तो क्या कारण है सम्मान किसका का माँ होगा जाने से पहले पिताजी मैं जा रहा हो काम पर आशीर्वाद दे मेरा काम दे माता दी मेरे को आशीर्वाद दो सुबह उठे चरण स्पर्श एक बगल लो बच्चों को सुख संस्कार है हमारे जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं वो ऐसे करते हैं बड़े आदमी जो है और जो साधारण लोग हैं वो बात नहीं करते वो दुखी खुद होते हैं तो पहला गुरु माता पिता गुरु माता गुरु पिता अपने माँ बाप की सम्मान करो अपना बड़ा भाई उसका सम्मान करो परिवार का सम्मान सम्मान करो तो आपको सम्मान मिलेगा क्योंकि टेक का सिद्धांति है इस हाथ से दौड़ से ले लो तो हम करते है तो हैं अपमान तो चाहते हैं सम्मान कहाँ से मिलेगा तो सदनों इस लोक में रहना है सुंदर बनाना है तो आपने संकल्प को ठीक कर लो विचारों से आदि ही कुंजी लगा लेकिन मैं जो कुछ सोचूँगा अच्छा सोचूंगा घटिया विचार आएंगे आपको इस ज्ञान से कट मेरी वाला ये बात याद आ जा कि उस कैप्टन ने कहा था घटिया सोचूंगा तो क्या तकलीफ़ आएगी क्यों सोचता हूँ काट दो उसको कई बार आएँगे घटिया विचार जाएंगे नहीं तो उसको काटो और फिर ज़्यादा नहीं कटे तो मैं योग का तरीका बता देता हूँ कर लेना आप लोग चाहते हो आपके अंदर वो तरीका बता दूंगा जिसको क्या आज तक वातावरण बताया नहीं न किसी ने आज तक सुना होगा आपने नहीं कोई बताएगा वो बता दूंगा और वो कैसे बता रहे हो ये डॉक्टर कमला जी ने कहा कि आप बताते तो बात तो सब जानते हैं जब सच देते बेचारों तो को बता दो तो कमजी अधिकारी नहीं बोले छोड़ो और अधिकारी आप अधिकारी कदम किसी समय वो होश आ जाएगा उसको कदे किसी दल में संस्कार आ जाएगा और वो ये काम करेगा आप बता तो दो कोई बताता नहीं तो इसलिए बताऊँगा नहीं वो बताने की बात नहीं है न महात्मा को पहले बताए कार कोई अधिकारी नहीं है उसका उसका अधिकारी कौन है उस ज्ञान का अधिकारी को सुख का अधिकारिक जानने के लिए जैसे मैं कहता हूँ अपने आप को जान लो तो उसके लिए राम नाम का सारा दिन था कल युग में रामनाव है पहले युग में अलग था ध्यान प्रथम युग सतयुग में केवल ध्यान से प्राप्ति थी युग दूधे द्वापर के अंदर केवल यज्ञ कराते थे बड़े बड़े ज्ञान देने आते थे कि मन को कैसे काबू करें उसको असमय यज्ञ कहते असम घोड़े को कि मन नहीं रुकता मारा बताओ मेरे कैसे करें तोी लिए बताते थे आदमी प्रकृति देखिएगा ऐसे ऐसे कर लो ऐसे ऐसे कर लो इसी तरह जान प्रथम युग मख दूजे द्वार पर प्रतोषित प्रभु पूजे तेजता में जाकर मूर्ति पूजा थी के चलो छोड़ो वो तो आदमी को तो नहीं बढ़ाता भगवान मूर्ति को मान लो सब कुछ और आपको काम था मूर्ति जब यह आस्था करी ठहर गई मन ठहर गया रुक गया मन साफ हो गया तो मूर्ति पूजा से मन रोकना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि मूर्ति को गुण गुण पत्थर वो जैसे समझोगे वैसे हो जाएगा आप समझे हो जिसको समझते हो मूर्ति को विश्वास के साथ विश्वास है सब कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो मूर्ति से मन थोड़े कलयुग कल में भी संतों ने कबीर गुरु नानक और रायदास पट्टू वगैरह ये जो संत हुए कलयुग के उन्होंने नई बात बताई उन्हों बता है उन्होंने और तरीका बताया क्योंकि इससे पहले गीता अपनी जो भी है रामायण महाभारत और जो मुसलमानों का कुरान शरीफ है और जो क्रिश्चियन का जो बाइबल है वो सिर्फ आत्मा तक है शरीर मन और आत्मा तीन चीज़ बताई उन्होंने कलयुग का संतों ने फिर इसको ध्यान किया तो आत्मा प्रकाश है तो देखा देखने वाली चीज़ प्रकाश तो नहीं देखने वाली चीज़ कुछ और है तो इसके आगे रिसर्च करी उन्हें आगे रिसर्च करी तो उन्हें पता चला ओ हो इस सूर्य से पर एक बड़ी भारी शक्ति है जिससे सूर्य चांद लोक लोकांतर बनते हैं और उसी कांत से मनुष्य की सूरत है उनको पता चला कि ये तो अलग है ये तो बहुत शक्तिशाली है और यह मनुष्य का रूप धारण करिए काम करिए सब तो देखिए देखेंगे कॉलोनी बसाइए कोई प्रभात तो यहाँ देखा कॉलोनी बसाते आप भी बसा रहे हैं लाल किला आपने बनाया मनुष्य ने बनाया है राष्ट्रपति बोध किसने बनाया मतलब दुनिया में जितनी भी क्रिया हुई है ये पैदा सबने बढ़ाई है वो सब सभी मनुष्य ने बढ़ाई है तो मनुष्य ही स्वरंश है तो उन्होंने बताया कि ये तो बोलने वाली चीज़ है इसका फिर नाम रखा ने समझाने के लिए क्या इसका नाम सुरत रख दिया किसी ने चैतन्यता कह दिया किसी ने होश कह दिया अगर मनुष्य है शरीर है मन है आत्मा है हो कोई बात नहीं अगर सुरत नहीं है कुछ ही करता बैठा हो कुछ बस सूरत जो है वह नहीं तो बताई जा सकती है तो वह क्या है अकह अपार अगाध अनामी न तो उसका बताया जा सकता है न उसका पार पाया जाता है न उसका था पाया जाता है और न उसका कोई नाम रखा जा सकता है संतो ने उसका नाम रख दिया परमात्मा का यह अगर आपने राजिया राम को तो आपने बढ़ाया वो आपने शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति है देवी प्रकट करी, आपने करी तो आपने करिए तो बाहर से कोई राम देवी ने सब कुछ आपके अंदर है तो इसी फिर आखिर संतू ने कह दिया अनुभव करके सेल्फ रियलाइजेशन ऑल एंड एवरी थिंग अपने आप को जान लो सब कुछ जान लिया जो पिंडे से और मंडे जो पिंड में इसमें है वो ब्रह्मांडव है ये मनिच्र रूप से है सबके अंदर थोड़े छोटे छोटे और वो थोड़ा बड़े पैमाने पर तो वो जानना है फिर कोई प्रश्न रह जाता है नहीं। और वो जीव मुक्त हो साफ रहता है जीते मुक्ति आप प्राप्त कर सकते मनुष्य और किसी का अधिकार नहीं है और किसी लोक के अंदर किसी भी जीव का अधिकार नहीं है जी मुक्ति को प्राप्त करना मुक्ति बने सदा के जीव उसमें मिल जाना जहाँ से हम आए हैं जहाँ कोई दुख सुख कोई तकलीफ़ नहीं है वो वहाँ तो आपको ये वहाँ से आए हैं वहाँ के पता दिए मैं बताता हूँ मैं क्या किसके लिए बताऊँगा आपको इससे पहले उन महात्मा ने सुन बताइए पहली सुन दूसरी सुन तीसरी सुन चौथी सुन ऐसे सुन बता के तो चला करिए और मैं कहता हूँ आपको आखिरी टाइम पर शरीर को छोड़ दो अलग निकाल लो उससे निकालने की टेक्निक है वो ढंग बता दूँगा और साथ शरीर से निकाल के मन में जो उससे रूप बनता रंग बनता देखते हो गुरु का इष्ट का देवी का और उससे भी छोड़ दो कि वो यहाँ बनाते हो वो बताएगा बाहर का गुरु बताएगा आपको छोड़ दो इसको ये आप ही पैदा करते हो फिर वो समझ जाएंगे आप आग ऊपर चल जाएंगे प्रकाश आ जाएगा सफेद का जबरदस्त और प्रकाश का क्रिए उसके अंदर प्रकाश का लोक है पूरा मस्ती खुशी बढ़ेगी कई ब्रह्मचारी रहते हैं वो पूरी मस्ती खुशी लेते रहते रहती तो वो आनंद का चीज़ है आनंद जितना सूरत का आत्मा का है आत्मा को जो देखने वाली चीज़ उसको नाम शुरुत रखा हुआ है और वो चीज़ मुख्य है आपके अंदर तो उस चीज़ को जाने के लिए नाम की जरूरत है कलियुग में कली केवल एक नाव धारा श्रुति समृति वेद सारा या संत मत सारा कलयुग कल में और ज्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं है केवल नाम कली केवल नाम का आधार दे लो सब काम हो जाएगा और वो नाम कहाँ आपके अंदर अब नाम है कहाँ पर तो नाम का अधिकारी कौन नाम का अधिकारी कौन है विषयन से जो होदासा परमार्थ की जावनाशा धन संतान प्रीत नहीं जाके जगत पदार्थ चा नहीं ताके तन इंद्रिय आस्कत नहीं होई नींद भूखार्स जिन खोई विरहबाण जिन हृदय ला गया क्या मतलब सभी इधारे में भी चले जाऊँ सीधा रहने वाला नहीं कोई भी ये तो मामला ऐसे ही है जाना वाला है आ गया छोड़ गए से था बुद्ध घर छोड़ छोड़िए इसे बिरे बाण जी ने हृदय ला गया खुद फिर साधु गुरु जाग गया क्योंकि उसको संस्कार है क्या नाम देने वाला कोई गुरु होगा गुरु बताएगा ऐसी ऐसे खुद फिर साधगुरु जागा साधु फकीरी मिले जो कोई सेवा करे करे दिल जोई ऐसी करनी जा की देखें आप आए सतगुर इसमें ले नहीं जैसे आपकी इच्छा की प्रभु ऐसा ऐसा मिला बैसे हो जाएगा वो कहीं जाने की जो तो देखने की वो गुरु जो आपके पास ही आ जाएगा सिखों का ग्रंथ साहब क्यों लिख रहा क्या है तो कि कई, कई गुरु बन गए गुरु दसवां गुरु मिला लें तो वो सब ने राम 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 कर ला गया जगह पहचान खत्म होगी तो एक ना कुछ बुद्धिमान आदमी था कर लगा गुरु ग्रंथ को मानिए प्रकट गुराण की दे भाई इसको मान लो प्रकटगुराण की दे और फिर आगे होता है जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले कि जिसका हृदय शुद्ध खब इस शब्द में खोजो शब्द में क्या लिख रहा क्या है पूरा सतगुरु खोजिए पूरी हो जुगत धंधिया पीधियाँ खेल दिया बीचे हुए मुक्त तो पूरा सतगुरु खोज के पूरी जुगत करना तो बताया वो वो तरीके से पालन करना और फिर पूरी जुगत हो खाते पीते खेतते बीच में मुक्ति है कहीं दाड़े की जरूरत वो बात सही तो सिख पहले तो दर्जा में ठहरी है गुरु ग्रंथ को मानिए सब कैसे हवा गालते है, रिया करते है कूलर लगाते वो करते वो करते है आग्नि शब्द नहीं पढ़या शब्द में क्या लिख रहा क्या पूरा सतगुरु खोजिए पूरी हो जुगत हंधियाँ पिंधिया खेल दे बीचे वो सब कोई पढ़े ज्ञान कोई लेको नहीं अरे उसी को ग्रंथ साहब को तो ग्रंथ साहब को कोई तकलीफ हो रही है क्या कागजों को तकलीफ हो रही है सोचने एक बात वो लकीर पीट तेदारे सब इसी तरह हम सरात्री अभी ये आरती करी है हम प्रति अभी दो मिनट पढ़ ली सेठ जी ने करी और बेटी ने करी तो ये आरती हिंदू धर्म है ये आरती करते हैं ऐसे तो प्रकाश दिखाते आरती करते क्या सैन दिखाते है तेरा रूप प्रकाश है प्रकाश के दान करा करो जैसे ब्राह्मणों का मंत्र है कि नहीं ब्राह्मणों के पास में ओम भूर भवे स्वय तत्सवित्रम भरगोदेव से न धीरे प्रसोध्या मनुष्य तू जागते स्वप्न सुष्प थी गरी नीचे आ गए तो सूर्य तुम्हारे उसको देखो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी अब इसका यही इशारा है इसके अंदर हम ये आरती बिनती से कर दें और नाथ का शब्द गाया था दो मिनट पहली वो कह का आज भारत रंग बरस है सतगुरु आया पावना सतगुरु मेहमान आया चित्तका का डे कुरु गुरु का आरता चित्का थाल बताया उसने ये मूर्ति आपका ये बताया प्रकाशवाला चित्का थाल ले गुरु का अर्था चलन दो दो पीछा ये बताया और वो कहते सतलोक से मारे सतगुरु आए आज हमारे अंगना में ढुक रहे सतलोक से आए तो उद्देश्य प्रमात्मा रू वो परमात्मा मानते हैं उसको उनकी मान्यता है वो जो मानता वैसे हो जाता है अगर उसको पूरा मानता तो ठीक है तो ऋषि मुनि ने यही कहा था कि तुमको बहुत सी चीज़ चाहिए तुम एक गुरु इष्ट बना लो गुरु बना लो और उसी को सब कुछ मान लो सब कुछ मिल जाएगा क्यों न लक्ष्मी के लक्ष्मी फोटो बढ़ा दी फिर जो राज करने वाले थे उनको दुर्गा की फोटो बुढ़ा दी गए तुम ऐसे दुर्गा की पूजा करो अलग अलग पूजा कर दे फिर अगर सिंदूर देखे बहुत सी चीज़ चाहें तो बोले तुम एक बुढ़ा लो एक को ब्रह्मद्य नाश्ती मान लो ज्ञानी को जीवितों को ये सब कुछ है तुम्हारा काम हो जाए इसलिए वो गुरुपंथी चली थी कि गुरु से बिना ज्ञान नहीं मिलता तो आज आपको मैंने ये बताया था कि आप ईश्वरंश से पहली बात आपके जो विचार हैं उसका पता नहीं आपको कि आप गुस्से से थी बोलते थे क्या होता है अच्छा सोचते क्या वो होता है जब आप इधर हमेशा कोई भी चार रखते चीज़ को चलते फिरते फिरते रखते फिर वह चीज़ मिल जाती है आपको और इष्ट सामने ले लिया तो वो मिल जाती तो इष्ट नहीं ले के आता आप में वो शक्ति इष्ट को आप पैदा करते हैं गुरु को आप पैदा करते हैं मैं जब आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ कि भाई जगह जगह प्रूफ है एक बात एक आदमी तो है नहीं बहुत सब आदमी क्या आप आए मेरे को मुसीबत थी रही मेरे को ऐसे और आप आ मेरी मेरे भैया मत दूर कराया मेरे को ये बचाया मेरे को ये बन और मेरे बाप को पता नहीं तो कुल है कि शक्ति मनुष्य के अंदर है क्यों मैं तो गया नहीं तो शक्ति पैदा उसने किया तो उसमें शक्ति है तो आप आप पैदा करने वाले हैं राम को कृष्ण को देवी को पैदा करने वाले हैं प्रकट करके देख लेते हैं हाजिर बुला लेते हैं आपकी आस्था में शक्ति आपके विचार में शक्ति है एक तो ये बात दूसरी बात यह है कि ये जो लोग है ये सुंदर बनाने के लिए आप विचार सुंदर कर लो जब ये लोग ठीक हो गया तो आगे आप में शक्ति बड़ी भारी है वो क्या है आप चाहें तो अमर हो सकते हैं इसी दिन जीते मुक्त हो सकते हैं वो क्या है सब जितने बंधन हैं वो आप सुनते हैं तो करने की बात है कोई जानने वाली चीज़ साथ नहीं रहने वाली चीज़ नहीं है सब ये माया है सब अब माया क्या है माया माया तो कर माया है क्या माया आपकी है तो आँख खोर के देखते हो जिस तरह देखते हो वो सब आपकी माया है और वो सदा रहने वाली चीज़ नहीं ये मकान सदा रहने वाला ये बल्ब सदा रहने वाला अपनी जो बैठे हुए आदमी है अपना शरीर सदा रहने वाला नहीं सब माया है ये आँख और जान जब करते हैं योगी दान करते करते प्रकाश प्रकट करते और अंदर राम नाम आता है वो सब कुछ आता है वो क्या चीज़ है वो आपकी माया आप पता करते वो अंदर की है आप हैं ना वही देखते और जब उस ख़त्म होता है आखिरी आखिर अंत क्या संतुम आखिरी अंत है राम रहीम करीम ने के सो अल्लाह रसूल खुदा नहीं होते पीर मुर्दिर दादा पोते से बाणिया है कि कुछ नहीं था कुछ नहीं था केवल कुछ नहीं फिर आखिर कहते उनम सुन विस्वाद ही स्वस्थ हो तो कुछ नहीं है तो आखिर आप हैं आप चेतनता ये चेतनता अगर चाहें तो आप उसी में मिला दो जाती उस मिलने का तरीका जो जाने का तरीका है वो बता देता हूँ खैर आप पूछ नहीं आए और न मैं समझता हूँ अधिकारी देखो बाप साफ माफ कर मैं नहीं समझता हूँ क्यों उड़ जाए हम दुनिया के सब कोई ज़्यादा उड़ जाए कोई छोटा उड़ जाए कौन है राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक मनुष्य में राष्ट्रपति बढ़ा ना अपने पहले राजा होता था तो वो भी उड़ जाओ हुआ इससे अज्ञान में दुखी है और हम भी दुखी हैं सबके अज्ञान का दुख है अगर वो बात सुन लें बात है, तो कुछ और है जैसे मैंने यार दुख वाली बात बताई कि दुख अपन करना है करते हैं अपने विचार से पैदा होता है ये अगर आपकी कॉलोनी वाले सारे सुन लेते हैं और पूरी दिल्ली वाला सुन लेते सब ग्राम तकलीफ तो यही है और क्या तकलीफ़ तो है खेता ताने नहीं कि खुश तो है नहीं मुझे तो फिर कुंडेद नहीं चुपचाप तो चुपचाप नहीं वो दुखियों को विचार रखें और वो विचार का तकलीफ तो ये बात अगर सबको समझ आ जाए तो तकलीफ किसकी है जब किसे दुख देते नहीं आप तो दुख आपकी नीति साफ है किससे दुश्मनी करोगे किससे बोला अच्छा ना करोगे भाई दो तो काम करते बिजनेस का एक भाई बड़ा काम करता है वो थोड़े पैसे बचाता रहता है उससे अलग भाई से बताता नहीं अलग रखता वो देखता मन माजी माली और उसका ऐसी बीमारी होगी तो परेशान नहीं रहेगा उसको पता नहीं है अगर उसके पता तो भाई से चोरी करेगा परमात्मा देखता है तेरे को तो किसकी चोरी करेगा वो कम से कम ये यकीन ही कर लो विश्वास ही कर लो तो उर्दू शायरी में कहा खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है परमात्मा के पास होने का यक़ीन भरोसा कम मुश्किल से आता है जब खुदा ही पास है तो बेक थी कैसी जब वो पास ही समझ लिया आपने तो किसकी तकलीफ़ किसकी चोरी किसकी की रोसना किस की चार दिन की ज़िंदगी है कल का भरोसा नहीं लाइफ का आज और कल नहीं हुआ इसका क्या ज्ञान है सबको हमको तो आप मरते देखते हैं लेकिन अपना मर्द नहीं देता तब अपनी मौत कल भी चले जाएँगे किसी को आती है मौत ये आप खुद ही देख लो ना कि अगर आप दूसरों को तो देखते हैं दार दारे लदे एक्सीडेंट होते जबान आदमी चले जाते दो मिनट क्या था कह हट हो गया बात करें हट की बारी बाढ़िया हट फेल हो गया बात तो ठीक है वो फंक्शन करने करना बंद कर देता है अरे ख़त्म तो हो जाते हैं वो अंदर का बायोलॉजी तो बात यह है कि दो कुछ देखते हैं लेकिन हम उस पर रहते नहीं के कहते तो बाशन तो सब देते नहीं में रहता कोई नहीं कहते बाशन सभी देते हैं क्यों जगह ऐसी है कि झूठ मत बोलो ये मत करो धोखा मत करो फलाना मत करो लेकिन वो क्या बच धोखा नहीं करते हैं? क्या अपने मन में झाँक के देखें तो यह ज्ञान देख रहा हो तो मेरा गुरुपुर फकीर सिंह जी का याद देखना क्यों मतलब साधारण आदमी हो मेरी पुस्तक बात तो मिल जाएगी बड़े मीठे तरीके से बोला हूँ मैं वो करिए ना अरे उनने बिल्कुल से बहुत बड़े कलडे सत्य ब्राह्मण थे उन्होंने बताया कि तुम किससे धोखा जो करोगे सब पाओगे तो वो कलडे शब्दों में कहा कि तुम, तुम बच नहीं सकते कल कोई सीजक के सदन के पास में गया था एक सत्यंग दे रहा था बातें चीत तो करता था कहीं कर कला बातचीत करी वो सदन सुनते नहीं थे विद्वान थे बातें करते अच्छी करते रहे जब घर में आया तो डॉक्टर कमला की भी ज्ञानी है अनुभवी है ये मुझे कहने लगी आपने वो पंडित फकीर कीर्तन जी की तरह क्यों ना कहा कि तू जो एक कर रहा जाना तो तू कहीं कई पीडिया में नहीं जान सकता एक क्यों नहीं बताया जैसे वो बताते थे मैं कहकर मजीदी मैं नहीं बता सकता वो बड़ा ऑफिसर था उसका दिल तोड़ मेरा काम नहीं था वो टाइम आएगी समझ जाएगा कोई अभी समझने के योग्य नहीं है तो वो कारण क्या है वो कारण ये इसकी ब्रह्मचार्य गिरा हुआ है बचपन में जो बच्चे का पच्चीस साल से पहले ब्रह्मचारी गिर जाते गिर जाता है भाई ब्याह शादी कर दें या वैसे वो कोई संगत कर दे या लड़कों की तरह संगत से कैसे भी ब्रह्मचर्य गिर जाता है उसकी बुद्धि ठीक नहीं रहती फिर और पच्चीस साल बाद ब्याह शादी के बाद भी अगर इसको खीर खांड समझता है कोई भी तो उसको रोग तकलीफ आनंद आज में होता है वो तो शक्ति आपके अंदर ब्रह्मचार्य की बात ज़बरदस्त चीज़ है और वाह अज्ञान के अंदर चली जाती है तो संतान उत्पत्ति के लिए घ्रस्त भोगते हैं तो कोई बात नहीं तो एक स्वाद के लिए तो घ्रेस भोगते हैं रोज़ की रोज निकल जाती है शक्ति तो माथा थोथा हो जाता है चिड़चिड़ा स्वाव हो जाता है गुस्सा आने लग जाता है बुद्धि काम नहीं करती आप सब घरों का मामला और क्या है अगर पति पत्नी इस बात को रखें तो पूरी उम्र जीते तो वो उसकी पास रहेगा वो उसको सेवा करेगा अटैचमेंट रहेगा जैसे ब्याह शादी कर गए थे ना वो ही दिन रहेगा हमेशा के लिए अगर वो ये सेक्स को नहीं भोगे ज़्यादा नहीं भोगे बस संतान उत्पत्ति के लिए भोगो एक दो तीन चार पाँच पैदा करो एक स्वाद के लिए घर सब भोगते हैं ज्ञान से और सबके शामिल है कोई बच्चे चढ़ा नहीं ऊपर से नीचे तक तो यह बीमारी तकलीफ़ है अज्ञान आदमी को तो वो चीज़ ये नहीं है वो चीज़ क्या थी जबरदस्त चीज़ है आपके अंदर वो और उसको खो देते हैं संतान उत्पत्ति के लिए तो बहुत अच्छी है अब आप, अपनी जैसे संतान पैदा कर लेते हैं जो बिना संतान उत्पत्ति के जो स्वाद के लिए भोगते हैं वो अज्ञान है कि स्वाद के लिए क्या चीज़ है ओम भू भय स्व तत्व त्रिव्रण भ्रगोदेव से धीमय धियो वो तत्व वो प्रकाश सफेद रंग का है इसमें तो एक डेढ़ मिनट का आनंद है और शक्ति गिर जाएगी और उसके अंदर डेढ़ मिनट के बताए घंटा में बैठे रहो और सारे दिन वो बैठ के उठोगे दस मिनट तो सारे दिन शेर की तरह जाओगे बाजार में हो तो उमंग उमंग व्यापार करते तो उमंग कोई नौकरी करते तो उमंग खुशी हमेशा के लिए अब आप खुशी वाली चीज़ खो देते हैं बेवकूफ़ी अज्ञान से आप समझे ना मेरी बात क्यों हम गिरस्ती है ना ये बात तो ये बात कोई याद कोई तो जानता नहीं होगा ब्रह्मचारी तो पता ही नहीं इस बात का क्या क्या बताएगा आपको मेरे पास वो तो गृहस्थी वो बता जाके पढ़ पैर फटी भी आई वो क्या दाड़े पीढ़ पर आई तो हम गिरस्थी आदमी हैं और अब कोई अज्ञान है तो बेटी और भाइयों अज्ञान का दुख है बहुत से अज्ञान में ज़्यादा बात नहीं करो वो पुस्तक हैं इनको पढ़ लेना ये विद्वानों के लिए मेरा ज्ञान तो मैं बता रहा हूँ आम आदमी के लिए नहीं जो पढ़ सकते हैं खुद देख लो इंटरनेट पर देख लो मेरा कैप्टन लालचंद डॉट कॉम तो सैकड़ी शेजा सत्य मेरे दिखलाए भाई जी और मेरी बुक देखनी है तो लगा दो डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू कैप्टन लालचंद डॉट कॉम तो मेरी सत्रह पुस्तक आ जाती है तो आपको तो पुस्तक यहाँ पर सेठ जी मंगा के आपको दे रहे हैं मैंने पहले बोला भाई मैं करा तो दूंगा भाई जी पर जो आपके नियर और डियर है उनको बुला लेना सबको बोले क्या मतलब वो जो तेरे प्यारे हैं वो बुलाना सबको और फिर बोला कि आप इतना खर्चा भी करोगे बोले आपको भी जताई कर दूंगा मैं तो कह लूँ जब मेरे को पैसे ही नहीं खाने के पास मेरी रोटी है रहने के लिए छोटे मेरे दुख ही आप तरह से और कोई तरह की दुख नहीं सुखी हूँ तिरानवे साल का हूँ और समझता हूँ अठारह साल का उम्र जवान के उमंग नहीं उमंग मेरे अंदर है घुटने मेरे भी उम्र के इंतका से कमज़ोर हैं पर मेरे को फिर ही नहीं उसका कई डॉक्टर कहते हैं मेरे विश्वास हैं वो कहते कैप्टन साहब रिप्लेस करा दी ये करा दी वो होगी आपने करा दिया ठीक हो गया बोले क्यों तिरानवे साल का हो गया अभी कहा मेरे को पाड़ो पूरी ठीक हो जाएगा अपने आप ठीक है ना बात तो बात यह मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ और आपको बात बताना है कि आप इंश्योरेंस हैं और आप अपने आप को पहचाड़ो और पहचाड़ने का तरीका अगर चाहते हो तो डॉक्टर कमला के कहने से कहता हूँ मैं आप पूछने आए तरीका ये पहला ये स्थान है जहाँ पर हिंदू लेडी टीका करती नहीं पहली जगह इस जगह पर ये शस्त्रा करके राम बोलिया इसको हजार पखड़ी वाला फूल तो फूल तो कोई नहीं है यहाँ पर मन है तो इस मन के पर पहला इकट्ठा करो और कोई इष्ट बना लो किसको जिस धाम विश्वास हो राम का बना लो किस का बना लो देवी का बना लो किसी का बना लो या किसी जीवता का बना लो ताकि मन ठहर जाए उसको मान लो ये मान्यता है वो मान के इधर इकट्ठा करो और यहाँ रूप जब इकट्ठा हो जाता तो आपका ध्यान कैसे बढ़ गया उस वक्त पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा जब मंदिर में टाड़ियाँ बताते हैं ना वो ये पहचान है टर्न टर्न जो आदमी मंदिर में दाखिल हो गया वो इसका मतलब वो कहते हैं ठाकुर जी को ठाकुर जी ने दिखा रहे वो टर्न टर्न बता रहे हैं कि वो हमें दाखिल हो गया तो वो टर्न टर्न टाडी बोलती इसका मतलब आप अंदर दाखिल होगी सिद्धि आ जाएगी आप पहले स्थान पर ध्यान करके जो इच्छा करोगे वो आपको मिल जाएगी और कब मिल जाएगी जब वो रूप पर पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और टाडी की जो मंदिर वाली आवाज़ है घंटी आ जाए अंड लग जाएगी सिद्धि आ जाएगी आपने जो सोचोगे जल्दी हो जाएगी होती तो वैसे भी खुदियाँ सोचालने से पर वो सिद्धि आ जाएगी पर एक इसी साथ एक बात और भी है अगर सत्य नहीं सुना है और नाराज़गी होगी पत्नी पर तो पत्नी बीमार हो जाएगी भाई पर भाई बीमार हो जाएगा इतनी शक्ति है इसमें कि वो बीमार बुरा सोचोगे तो उस तकलीफ हो जाएगी सिद्धि आप और अच्छा चाहोगे तो अच्छा हो जाएगा तो पहला स्थान तो जितनी दुकान मकान हाट हवेली संतान क्या चाहिए इधर जान करके इच्छा करो या तो खुद कर लो कोई बात नहीं खुद करनी चाहिए हो जाएगा धाता धान और दे तीन चीज देखा कर लो वो तो विज्ञान का तरीका है और अपने हिंदू धर्म का तरीका है कि इष्ट बना लो जो हमेशा साथ है सारा बना लो आदमी सारा चाहता है तो गुरु से ज्ञान से बड़ा कोई सारा नहीं गुरु बना ले तो बहुत जीवते जागते बना लेते हो तो।, तो वो मिलेगा नहीं क्यों आदमी मैं ऐप तो है ही सब मैं ऐप देखते हैं बढ़ना मुश्किल है किसी बन जाता है वो निहाल हो जाएगा अगर किसी जीवते जागते को बना दिया तो वो है कि नहीं पता नहीं आपका काम हो जाएगा क्यों मान्यता आपकी आप शक्ति तो आप में किसी गुरु मूर्ति में नहीं आप में शक्ति है तो आप मान्यता का रख लो और यहाँ दान करने से दुनिया की सब चीज़ मिल जाएंगी दान बढ़ने की पहचान बता दी मैंने पीले रंग का प्रकाश और टाली की आवाज़ आएगी घंटा बंदा बात तो क्लियर होगी अब इसमें यह बात है कि अगर बिना सत्संग के करोगे तो तकलीफ़ होगी क्योंकि आपको पता बुरा सुत लग जाओगे और नुकसान हो जाएगा तो दान करने से पहले काफ़ी सत्संग सुनना चाहिए अब सत्संग सुनने कहाँ जाओगे तो ये पुस्तक रखिए आपके पास ये पढ़ देना तो आपको बताइए पुस्तक में लिखा है ये ऐसे करोगे ऐसे होगा ऐसे करोगे ऐसे होगा ऐसे एक बार नहीं चार में फुट लेना मैं पूछी पहली पुस्तक में क्या लिखा है दूसरी में क्या लिखा है अगर ये मेरे को बता दे तो फिर आप ज्ञान दोगे लोगों को दूसरों को दूसरों को बता हुआ क्यों दुखी हो रहा है आप में वो तो आप इस तुरंत तो हैं तो मेरे को जरूरत है कुछ गुरुओं की एक सेठ जी ने तो मुझे कह दिया है इधर करने के लिए मैंने सेठों की जरूरत है एक शेर साहब का रोक रहता हूँ जैसे मैं वकीलों के पास जाता हूँ तो वकील को देखता हूँ जजों के पास जाता जज को तो यहाँ पर जड्डी का भी जज है के पी वर्मा अब वो जाने वाले हैं तो उसकी जगह जरूरत थी तो वह विचार कर दिया जयपुर के अंदर एक जज है डेड्डी चंद्रकला यादव शेष चंद्र तो वो मेरी पुस्तक पढ़ी वो प्रभावी तो मैं अभी तू दस जाना ये पुस्तक दे दिया अगर मेरी तो उनके लिए एक ही पुस्तक बताइए मेरी सत्रहवीं पुस्तक दे देना सिर्फ कि उनके पास इतनी टाइम नहीं और वो पढ़ तो लेंगे जो तो कुछ नहीं खा तो देगा तो बीमारियाँ रह को मलेरिया रहेगा नहीं, रह नहीं। कुने खाए नहीं तो मलेरिया कहां जाएगा वो पुस्तक पढ़ लिया चार बार समझ लिया तो कोई तकलीफ रहेगी नहीं कोई भ्रम रहेगा नहीं अगर नहीं पढ़ी तो उसकी मर्जी है आप समझो नहीं इतनी ठोकी कराओगे वो चार बार पढ़ दे अच्छी तरह से कोई भ्रम रहेगा नहीं अगर नहीं पढ़े तो फिर कुछ की बात दवाई दी है डॉक्टर ने देखिए खाद पी तो लीज तो देखो वो चीज़ अक्सर कराएगी अगर खाई ही नहीं आलमाली भी रख दी तो कोई फायदा नहीं तो ये पुस्तक पढ़ी ये प्रमाण है और अच्छी लगे तो वो अच्छी हैं नहीं लगे तो वो अच्छी नहीं ये तो, तो मेरा अनुभव है मेरा क्या दावा है मैं क्यों कि कितने मेरे जैसे कितने का आगे, कितने आए कितने महात्मा बड़े बड़े संत मैं तो और आदमी हूँ गाँव का तो वो आप पुस्तक पढ़ लेना वो दे रहे हैं सेठ जी दे रहे हैं उनको पहली कराया पढ़ लेना आपको चार चार पुस्तक पाँच पाँच पुस्तक लाएंगे यहाँ पर ले जाना और जो बन जाती है तो पूरी ले जा जाती के दे दो तो, और बाद उसके बाद में मंगा लेना पुस्तकों का इसके बाद लाइब्रेरी है ये खड़े हो जाए यार उसका तो ये लड़का आपकी कॉलोनी में रहता है इसके इसने एक लाइब्रेरी बना रखी है मेरी पुस्तकों की इसके पास हजारों पुस्तक रखी हैं अपने गांव में और लाइब्रेरी लगा के सजार रखी पुस्तक वहाँ से बंडल बांध के इधर मंगा देता है इधर सप्लाई करता है शिमला कर देता है मुरादाबाद भेज देता है चंडीगढ़ भेज देता है सब जगह ये बंडल भेजता रहता है इसके पास नहीं यहाँ ही पूरी को बता देना मेरे को पुस्तक सही ये आपको ला देगा सत्रह पूछ लेगी पढ़ने कहीं दाना ना कहीं नहाा नहीं अच्छी लगे चार बार पढ़ने ते पूछूंगा मैं अगर पूछ पढ़ ली तो फिर बाद में आपको फिर मकूँगा आपकी ज़रूरत है मेरे को आप कृपा कर ज्ञान दें मेरे साथ में बता देता हूँ ये ज्ञान देंगे आप और आप लिया देते जाएंगे फिर फिर बात क्या होगा आपका रूपरे लग जाएगा लोगों में और वो पैसे देने लग जाएंगे अगर वो कबर करोगे तो नुकसान में चले जाओगे फिर जब आप जाते नहीं धोखा देने लग जाओगे गुरु हालती है क्यों जा रहे हैं ये देगा अगर संतु को क्यों जाए वो चूँकि वो लालच कर ला गया बड़ा के बारे में यह हो गया बाबा जी रूप बुरा बुरा काम करने लग गया जो नहीं करना चाहिए इसे जेड़ काटते नहीं तो ये तो पूज्य था पहले भगवान कपड़ा वाला को देखिए राजा भी उदय से उतर की निरोध करता था कि सच्चाई इसके अंदर है और अभी जब भगवान कपड़े वाला जितने करते कोई जितनी गिरावट आई इतनी को आई नहीं तो कारण क्या है कि आपको यहाँ पर बता दी बुक दूसरा स्थान ये है माथा के बीच में माथा के बीच में जहाँ पर यह ओम का स्थान बताते हैं टीका करते हैं ना इस जगह ध्यान करोगे क्या ज्ञान आप चाहते हो क्या ज्ञान समझ चाहते हो मिल जाएंगे आपको जो भी ज्ञान ये विज्ञान सब यहीं तक का है विज्ञानी पहले देख के बैठिए बोलता है इसकी आवाज़ आती है फोटो कैसे आए अब इसके बारे में कि तो कितनी विज्ञानी बैठिए मरिए कितने करते 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 कोई चीज़ का अच्छा चरित्र था ब्रह्मचार्य का वो ध्यान इधर इकट्ठा हो और उसको आगे सूत्र मिल गया ऐसे कर दो और उसने बताया वैसे हो गया तो आप में सत्य है कि जो ज्ञान चाहते हो यहाँ से है ये जितनी पुस्तकें लिखी वो उन्होंने लिखी जो यहाँ ध्यान करने वाले जो चाहता है वो लिख जाता है जो अगर बिजनेसमैन हो और यहाँ पर ध्यान करके कुछ ज्ञान ज्ञानदान चाहते हो तो नई चीज़ आपको सुनेगी ऐसा कर लो जिससे लाभ हो जाएगा ये ये शक्ति से ज्ञान की किसी तरह का ज्ञान इस लोग का वही लोग का किसी को चाहते हो वो ज्ञान मिल जाएगा ये ज्ञान केंद्र इसकी पहचान क्या है ध्यान बनने की लाल रंग का प्रकाश ओम का शब्द हिंदुओं के लिए तो वो आप गुरु बताएगा आपको जो बताएगा आप उसकी देख रेख में करना खुद मत करना नहीं दिमाग खराब हो जाएगा तो यह ज्ञान का केंद्र है इधर ध्यान करने से क्या ज्ञान चाहती हूँ इस लोक का अगर वकील हो वकील हो तो एक शब्द से उतार लोगे फंसी के तखते से आप क्यों दीते रहो तेज हो सरकार लिखो ये लिखो इसने बोलाए ये ऐसे कहता है और अगर डॉक्टर हो तो अलग शिफ्ट देखते ही पता छीन छी करे थोड़ी दवाई दे देगा और अब जो दवाई डॉक्टर साहब है तो जुकाम और कहते हैं ना आधा टेस्ट करवा गया पाँच सात हज़ार रुपया खर्च कर दे उसको पनिशमेंट मिलेगी भाई को डॉक्टर अभी तो अगली टाइम पर पता नहीं क्या बनेगा अंदाज में उसको ज्ञान नहीं इस बात का रो कि संगत करें तो यहाँ ये ज्ञान का केंद्र है सुंदरों और इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ध्यान बनता है ये इस बात के बीच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इधर बुलाते हो ध्यान तो सफेद रंग का चांद चांदी चांदनी आएगी और सारंगी जैसा शब्द बजेगा कि वृत्तियाँ तनगी यहाँ पर ओम के स्थान को छोड़ के ऊपर चली गई और उस परमात्मा के रंग में जब रंग लगी तो क्या सफेद रंग का चांद सी चांदनी आएगी ज़्यादातर रोशनी तो आएगी और सारंगी जैसा शब्द बजेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा मस्ती रहेगी नशा रहेगा भंग पीने की जरूरत नहीं कोई नशा करने की जरूरत नहीं बिजली पीने की जरूरत नहीं इसके गुरु नानक देव ने कहा रात पी नानका उतर गई प्रभात नाम कुमारी नानका चली रह दिन रात फिर कह बुझे रात ने पी शराब उतर गई सुबह के टाइम पर लेकिन वह जो नशा है वो आपको नशा रहेगा क्या है ऐसे हाँ मैं नशे में बैठा आपको बात कर रहा हूँ मैं कहना पर छुरी है लेकिन नहीं कुछ पता कैसे चलेगा तिरानू साल का तो हो गया मर मन सदा थोड़ा रहना है तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं है वो मैं रहता हूँ सारे दिन मस्ती पर ही रहता हूँ अभी रहता हूँ सारे दिन नीचे आना पड़ता मुझे उस अवस्था से और मस्ती रहती है साड़ी अब तो वो आपके अंदर है और अब आपको की देख लो तो उसमें क्या मस्ती है कोई चिंता फिक्र मन काम नहीं करता बताती है मन काम नहीं करता तो आप ही कोई फिक्र नहीं है आपको कोई चिंता नहीं कोई डर नहीं इसके बाद प्रकाश आना शुरू हो जाएगा इधर पहले चांद से चाँद और फिर थोड़ा ऊपर चला हुआ सोहम सोहम का शब्द है और प्रकाश है छय तिरंगा प्रकाश जिसका ब्राह्मण का मंत्र है ओम भूर्भ स्व तत्शत्र भ्रगोदेव सिद्धिम वो अवस्था यह इधर सीधा प्रकाश आ जाता है प्रकाश की मस्ती न सारा बेफिक्र रहती है उमंग रहती है कोई फिक्र फाका नहीं होता सिद्धि आती है सोचता वैसे हो जाता है अच्छी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन शरीर छोड़ के फिर द्वारा चक्र में त्वर अस्सी से नहीं निकलेगा फिर आगे क्या थोड़ा सा आगे चलता है तो बंकरार कह देते सतों सत्यों का जाता है उसके वहाँ पर है कई तरह का लोग हैं हो रही प्रकाश ही प्रकाश का खेल है सब रंग का आत्म पद है इसे इस बाल मिलने तक माथे का बाल जहाँ मिलते हैं यहाँ तक है, सतलोक बताते हैं और यहाँ पर क्या इधर रहने वाला जो सोचेगा वही होगा अगर आश्रम ये चीज़ की जरूरत है वो हो जाएगी वो सिद्धि है उसके अंदर पर वो सिद्धि का वस्ता है और खुशी है आशीर छोड़ने के बाद फिर चक्कर कटेगा और इसके आगे का जो तो साधन है कोई को तो ज्ञानी मिलेगा कहता क्या करे ब्रह्मचारी जीत तो बस प्रकाश पर रहते बस रहते कहीं छोड़ो ये तो हाथ तो आ गया तो खुश हो नहीं आएगा तकलीफ़ होगी तक 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 तो आनंद की चीज़ है आनंद आ गया तो खुश और न आ गया तो नहीं तो, तो ये तो मंजिल नहीं तो आगे चलो तो आगे क्या करेगा फिर आगे छोड़ेगा उसको छोड़ेगा फट इधर आ जाएगा बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है छोटे बच्चे का इधर और यहाँ पर अलख निरंजन कहते हैं अलख अलग का मतलब यहाँ रखा नहीं जाता वो देखा नहीं जाता छूया नहीं जाता रियलाइज कराया जाता है अनुभव किया जाता है तो अनुभव करता उसको पता है और बाकी दूसरों को पता नहीं तो अनुभव करने का तरीका है अनुभव है क्या अनुभव किसको कहते हैं जैसे मैं आपको एक तो बात हूं, थोरी बताता हूँ थोड़ी बताता हूँ और थोड़ी बताते बताते फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं गुड़ खा रहा हूँ या शक्कर कोई चीज़ खा रहा हूँ गुड़ खा रहा हूँ आप बोलते क्या खा रहे हो मैं गुड़ खा रहा हूँ जी कैसा है मीठा है वो पूछेगा है खांड जैसा है शक्कर जैसा है घी सब गुड़ का स्वाद तो गुड़ में है तो गुड़ का स्वाद व्यायाम तो मैं कर नहीं सकता तो मैं आपको अनुभव कराना क्या करूँगा एक छोटी डई दे के आपको दे दूंगा भाई ये ये देखो ऐसा स्वाद है गुड़ का स्वाद बताया नहीं जाता नहीं इसी तरह उस परमात्मा के बारे में किसी को बताया नहीं जाता बताता तो मैं इतनी सत्रह पुस्तक नहीं लिखता और मैं और सब और लिखू तो उसको बता नहीं सकता इसी तरह से अनुभव कर सकते हो आप वो चीज़ अनुभव की है आप अनुभव में आ जाएगी तो वो जो अनुभव है वो आपको यहाँ पर एक ऐसे बताने के लिए इतना है कि एक स्वीट वॉयस सारी रही है मिट्टी जिसको राम राम कहते हैं और उसको सुनने वाली ये चीज़ बोल रही है नहीं ये चीज़ आत्मा से आगे सुरत ये सुरत सुनती रहती है तो सुरत यहाँ से सफ़र करती है और जमता ठेठ तक चोटी तक तो पूछती है चोटी पर जा करके वो उसमें गायब हो जाती है न तो शब्द आएगा ना सुरत आएगी इसका मतलब कि आप उसमें मिलिए जाके परमात्मा मिल गए आपकी चिंता फिक्र सब खत्म कुछ का तकलीफ नहीं है ऐसे हो जाएगा मैं इसकी मिसाल देता हूँ संतून दूसरी बताई माफ मतलब। गरी में जाते हैं नहीं भाई सुपने क्यों अवस्था से ऊपर चले जाते हैं तो आप वहीं चले जाते हैं रोजाना प्राकृतिक तरीके से हर एक आदमी उसमें उस जाता है उसमें चले जाता सदा कोई चिंता फिक्र वहाँ नहीं होती गरीब दिन बेफिक्री और उठता तो कान धड़का वही काम करता है जैसे एक मजदूर है चौथे मंजिल पर इंट ले जाता है थक गया शाम के टाइम चला नहीं जाता कहाँ खाना खाता है खाना खा के रात को खर्र खर सोता है गरी दिन एक सो कान धड़काता है और वही इंटर वही फिर दोबारा तो कहाँ से रात को टॉनिक पिया था कि कोई या कोई दवाई पी थी वो वहाँ चला गया था तो काम कर रहे कोई चिंता है कोई तरह की और वगैरह दिन चले गए वहाँ चलेगा प्राकृतिक तरीके से रोजाना वहाँ जाते हो आप और सब आ जाते हो और जिस नींद है कि पाँच चार दिन तो पागल हो जाओगे कंपोज कंपोजी घोलियाँ लेने डॉक्टर घोलियाँ देते हैं समतने के लिए तो रोज के लिए आप बताते हैं इस से आप रोज़ ईश्वर से वहाँ पर चले जाते हैं बताइए है, तो प्राकृतिक तरीके से सुख लेके वहाँ शक्ति लेके आते हो और वो जो मैं बताया ये योग के वो फिर वो जाएगी साथ रहेगी वो करकी देखने के लिए करकी देख लो भाई जो नहीं मानता आप करके देख लो तो मिसाल दे दी मैं आपको कि गरी निर्णय जब जाते हो तो आप वहाँ पूछ जाते हो किसी गए जहाँ से आए हैं वहाँ है ने कोई चिंता है ना कोई फिक्र उसी का ईश्वर से मिल जाते हो उसी में मिल जाते हो बूंद हो तो पानी में मिल गए पानी में बूंद मिल गई तो क्या रहेगा समुद्र बन गया अपनी एंटिटी खो दी अस्तित्व तो खो दिया उसने और जब तक अलग है तो अलग है। तो ये हम लोग अलग घूमते तो चाहे हम मुक्त हो सकते हैं ये साधन करके रोज के हो सकते हैं हर हम तक आप समझेंगे प्राकृतिक तरीके से जब आप वहाँ चले जाते हो तो कितनी तकलीफ गई कितनी समस्या खत्म तो वहाँ जब आप चले जाओगे कोई समस्या नहीं कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं ईश्वर से बन जाओ ईश्वर बन जाओगे खुद ही तो ये अगर चाहे तो मनुष्य में यह शक्ति है और किसी जीव में नहीं है किसी लोक केंद्र का कोई जीव नहीं जा सकता मनुष्य यहाँ आ जाता है तो वह इसलिए कहा बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा बड़े भाग के मनुष्य श्री में लिया कि मनुष्य यहाँ स्वाद ले सकता खूब गाड़ी घोड़ा मकान दुकान बड़ा बड़ा के और जो चाहे उसको बना ले और चाहे अच्छा इसको मिल जाएगा विचारों से ध्यान से विचार से चा से जहाँ चाह वहा डिमांड दे सप्लाई जहाँ मांग वहाँ पूर्ति दरा दरा जाएगा या मांगोगे आमूह की चारों तरफ से आम यहाँ आम पड़ी है जिस चीज़ की मांग करोगे मिल जाएगा तो आपकी चाह काम करती है तो अपनी चाह को मिट्टी बना लो और अच्छी तरह से कर लो और बाकी तरीका तरीका ये किताब है आपको सेठ जी दिवारे में तो कुछ दे देना दे आदमी नहीं हूँ अपने पास तो आंकड़ा है बोले बात 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 करने का मतलब है कुर्सी ने दे दी मैं बात कर ली जो खुद मेरे को आती थी और जो मेरे को आई कोई जरूरी नहीं है कि सभी सही हो मेरा अनुभव है रोज़ रोज़ रोज का अनुभव तो सज ये बात है अब मेरे पास ये सत्य भी अगर आपने कराना है चाहते हो कभी चार बनाए तो ये यहाँ पर बैठे मनोज बैठे इसको बता देना आप मनोज कुमार यहाँ पर आपकी कॉलोनी में है दूसरी तरफ करें दूसरी तरफ बताऊँ तो ये काम ये आपको बोले मनोज कर देगा आप सत्संग सत्यंग आप अपने बेटों को भू को सबको ज्ञान दवा सकते हो जिससे यह कड़ा घर में नहीं रहेगी घर में शांति अगर आपके तो होता है तो आप ठीक कर लेना जिस तरीके से पुस्तक पढ़ने पुस्तक पढ़ा देना तो ये जो विचार हैं आपने इराद बताया है दुख क्या है अज्ञान का क्या ज्ञान है क्या सोचते हैं हम पता नहीं क्या बोलते हैं इसका असर क्या होगा इसका पता नहीं हम जो बोलते हैं दुख देते दुख होता है किसी कि मंदुख आते हैं तो उसकी रेडिएशन आती है दुख की और वो ऊपर भ्रमण चल जाती है वो अपने दिए उनके दुख कारण रहता है दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है अज्ञान का दुख आप समझे सुख नाम की कोई चीज़ सुख सुख सु आपका है जो मन के अनुकूल हो गया सुख हो गया तो मिठ्ठे विचार हो तो मिठास हुआ जाएगा तो कड़वे बाओगे तो कड़वा हो जाएगा बबूड़ बाओगे तो बबूड़ उगेंगे आम बाओगे तो मुँह तो हमेशा बाढ़ ये सीख लो तरीका टेक्निक ढंग है कोई तकलीफ़ की बात नहीं आदत है थोड़ी सी बात जो संस्कार पड़े उनको हटाना है रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हमने जैसे कोई नाराजी हुई किसी दिल में रखते रहते वो कर्म मड़ा हुआ है और हमने ये मेरी बात आज सुन ली कि मैंने नाराज़ी कुछ ही नहीं चलो वो भाई वो, वो पहली नाराज़ी थी आज से कोई नाराज़ी नहीं मैंने गलती करी थी वो मेरी गलती मेरा खोटा कर्म था आप जो मेरे नुकसान कर आया ना मेरा खोटा कर्म था आपका नहीं था साहब मैंने आपको ऐसे कह माफ़ करना हेलो दोस्ती कर लो जो हमने कहा वो गलत माफ़ कर दो यारो मुझको माफ़ कर दो मैं नशेब हूँ तो पहले घरों को जिसको बता दो तो डियर है मन साफ़ हो गया आपका आपके मन में गांठ नहीं रही तो आप घरों में जा करके अकाउंट खोल देना आज और कम से कम और तो छोड़ थो दो परिवार के साथ कर लेना ये बात ये और करना उसके परिवार का सबको छोड़ो सर वो टाइम पर समझाओगे अगर परिवार को छोड़ दोगे तो वो भी छोड़ दोगे अगला तो परिवार से आज इनके पास रहते हो वो बिल्कुल आपका परिवार है लेना देना उसका प्यार से दो अगर कोई दुख देता आपको तो समझो दुखी हाय है मत करो समझो कि ये नहीं दे रहा है मेरा कर्म था और मैंने इसको दुख दिया हुआ किसी लम्बे वो दुख देने के लिए बदला ले रहा है अभी उत्तर डिंका था की बारी कि डिंका मक्की बारी आई समझ बात तो आज तक मैं जो सत्संग से तो बोटा तोड़ से दे दिया चौथा तो चोटी तो के पास जब चले जाओगे उसमें गायब होगा तो बाहर का गुरु आपको सत्संग देगा क्या सत्संग देगा कि आप पूछ गए मंजिल पर लेकिन आपके कुछ लेने देने तो आप द्वारा होशमाओगे हो दोबारा आते रहोगे यानी पूछ जाते हो कभी कभी तो बगैर यत्न करे पूछ जाओगे साधन करोगे जाओ तो पूछ देो हमेशा हो जाएगा उस अवस्था में पर आप ऐसे करना कि अभी इसके आगे जब आप जीते हो तो मुक्त अवस्था में जीते हो तो आँख खुलती देख दो काम करते हो सब देख रहा परमात्मा उसका कुछ नहीं है सब जानने वाला है तो वो मुक्त जी देखता रहेगा जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है हर समय में तेरा हो वो यानी किसी को कमजोर नहीं देखेगा वो मुक्त अवस्था समझिएगा और जब श्री उसका पूरा ध्यान खत्म हो जाएगा उसके बाद इधर नहीं आएगा तो जीवित मुक्त अवस्था का तरीका बाहर का गुरु बताएगा आपको मनुष्य बनाएगा जीवता जागता अगर बहरे बगैर गुरु के दान करो कर लो कुछ नहीं आएगा आपको वो संस्कार देगा आपको तरीका बताएगा पहले स्थान पर तू जाएगा पीले रंग का प्रकाश आएगा यह आएगा गुरु मूर्ति आएगा फल आएगा वो बताएगा आपको चांद आएगा तारा आएगा वो बताएगा और उसके बताओ मुताब आप वो प्रकट करते जाओगे शक्ति किस व आप में आप प्रकट करने वाले आपको बाहर का संस्कार देता है तो बाहर के ज्ञान की जरूरत है बगैर बाहर के ज्ञान के कुछ नहीं अगर बच्चे को फायदा करते ही किसी घुरी में जा के रखे वहाँ पर तो जानवरों की तरह होगा गुरु माता पिता माँ बाप का बदला दिया नहीं जा सकता तो घरों घर में शांति जरूरी है होम पीस इज ऑल इन एवरी तो घर में शांति रखना पीछे हो गया माफ़ कर दो सबको कुछ कोई शंका है भी आपको कोई धर्म कर्म की कोई योग की बात पूछ रही मुझे पूछ लो क्यों कह रहे हो ऐसे किसी को अर्धी गांठ मिल गई थी अर्धी गांठ मिल गई बोले वो अच्छा ठीक है रख दी दो चार जगह और दो चार दुकान रख दी बोला भाई सारी हूँ भेज देगा डाला दा दा सब लगा दूंगा तो हमें वो अर्धी गांठ मिल रही है तो वो कहता है पूछ लो भाई